find the real me. So let's go, seize the feeling, 'cause you know. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप सबको प्रमोट कर दिया गया, बिना परीक्षा दिए आप लोग पास कर दिए गए हैं। अब जो मेरे पास सवाल आ रहा है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप हमें बताओ कि नंबर किस तरह से दिए जाएंगे, मार्क्स किस तरह से हमको अलॉट किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि इसके बारे में एचआरडी मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइन होगी उसे हम फॉलो करेंगे। अभी क्या है ये गाइडलाइन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्या है क्या नहीं है, पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, पूरी बात समझाऊंगा, सुनिए ध्यान से। एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है। उसने क्या कहा है, नंबर एक, पहला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट सुनिएगा। उसने ऐसे कहा कि भैया जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी, जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उन्हें उसी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे जो उन्होंने पेपर में लिखा है। यानी कि जो पेपर आपके हो चुके हैं, जितने पेपर आपके हो चुके हैं उन पेपर में तो आपको वही नंबर दिए जाएंगे जो आपके पेपर में आपके कर रहा है आपने, या आपने किया हो सकता है। अगर आप फेल है तो फेल है, पास है तो पास है, 60 है तो 60 है, 40 है तो 40 है। मतलब अगर आपने 100 नंबर का पेपर किया है, 60 नंबर आ रहे हैं तो 60 दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा देंगे, जितने आएंगे उतने ही देंगे। उन पेपर में कोई भी काट छाट, कमी या वृद्धि नहीं होगी। हो सकता है अगर वो पेपर आपका ड्यू रह जाए तो ड्यू भी रह सकता है। कुल मिला के समझ में, जो पेपर हो चुके हैं, जो पेपर आप दे चुके हैं उनकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं और उसमें उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे जिस हिसाब से आपने एग्जाम में लिखा है। सेकंड, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे आधे पेपर तो हो गए, आधे नहीं हुए। ठीक है भाई, पहले बात करते हैं, 4 पेपर हो गए, 2 पेपर नहीं हुए। 4 पेपर हो गए, 2 पेपर नहीं हुए, अब क्या होगा सर? 100 नंबर का एक पेपर है, 100 मार्क्स का। मान लो इसमें आपके 70, इसमें आए 60, इसमें आए 40 और इसमें आए 30। और 40 ऐसे मार्क्स आए मान लो। तो भैया यूनिवर्सिटी क्या करेगी, इन 4 पेपर में से 3 बेस्ट पेपर चूज करेगी। 3 बेस्ट पेपर, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये, सॉरी सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये चूज कर लिया। तो इनका एवरेज क्या होगा? बोलिए, जो इसका एवरेज आएगा वो मार्क्स दे दिए जाएंगे। 13, 13, 5, 18, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आपको बचे हुए 2 पेपर में दे, यानी इन 2 पेपर में आपके 60 नंबर दिए जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों के बाद पहला पॉइंट। अब जिन बच्चों के सब 4 नहीं 3 ही पेपर हुए, सर हमारे तो मान लो 3 ही पेपर हुए, किसी के एक पेपर हुआ ही नहीं और 3 पेपर अभी बाकी पड़े। 3 पेपर हुए और 3 पेपर बाकी पड़े, इन 3 पेपर में नंबर है 50, 60 और 40। अब साहब क्या करें, तो कोई भी 2 पेपर चूज किए जाएंगे जो बेस्ट हैं, 60 और 50। इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, 50 + 60/2 बराबर 55। 55 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, यानी इन 3 पेपर में आपको 55 मार्क्स दिए जाएंगे। ये तो बात हुई जिसके पेपर सबसे पहले, जिसके पेपर हो चुके हैं, फिर जिसके पेपर आधे अधूरे हुए हैं। अब सब कई लोगों का डाउट है कि साहब हमारे पेपर तो एक भी नहीं हुए, अब हम क्या करें, हमको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? तो जिनका कोई पेपर नहीं हुआ, नो पेपर, एक भी पेपर नहीं हुआ, उसके बारे में भी एचआरडी मंत्रालय ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है। लेकिन जो जनरल गाइडलाइन है इसकी वो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर के एग्जाम में कुछ परसेंट बढ़ाकर, या तो 10% या 20% बढ़ाकर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर आपकी अगर 50% बनी थी तो 10% कितना होता है इसका, 5, यानी 55% आपको दे दिया जाएगा। या हो सकता है 20% 10 कितना हुआ आपका, बोलिए 60। ऐसे आपकी परसेंट बना के नंबर दे दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया पहले नंबर पे जब आपके सारे एग्जाम हो चुके हैं तो वो नंबर दिए जाएंगे जो आपकी कॉपी में आप करके आए हैं। नंबर 2, कुछ एग्जाम 4 एग्जाम हुए हैं तो 3 का एवरेज मान के, बेस्ट 3 का एवरेज मान के, 3 हुए तो बेस्ट 2 का एवरेज मान के आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। आपके कोई भी एग्जाम नहीं हुए, कोई भी एग्जाम अगर आपके नहीं हुए तो क्या किया जाएगा कि वैसे इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, लास्ट ईयर के एग्जाम में जो मार्क्स आए थे उसका 10% 20% बढ़ा के आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, पूछ लें मेरे से। ये सारी गाइडलाइन अभी सीबीएसई के जो पेपर हुए उनमें भी लागू हुई है। सीबीएसई की गाइडलाइन थी जो भी बताई, सीबीएसई के 12th क्लास के 10th क्लास के जो पेपर अभी हुए थे उनमें गाइडलाइन फॉलो हुई है और शायद वही गाइडलाइन अब राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉलो करेगा, राजस्थान में फॉलो होगी। तो आप प्लीज ध्यान रखें, समझ लें किस प्रकार होगी। कोई डाउट ना रखें अपने दिमाग में, आगे कोई भी सूचना आती है तो मैं आपके साथ आऊंगा जरूर, बताऊंगा जरूर, समझाऊंगा जरूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।